they will say English of standard second, lesson number 11, the balloon man. Okay, this is a poem. A poem है balloon man. देखो बच्चों, हम सबको balloon अच्छा लगता है, है कि नहीं? छोटे रहो, बड़े रहो, कोई भी रहो, balloon मतलब सभी को अच्छा लगता है. Balloon कैसे? Different colors, रंगी भी रंगी भी रंगी होती है, होता है. Balloon मतलब फुग्गा, फुग्गा मालूम है ना, balloon. Okay? तो हमें सबको बलून अच्छा लगता है. बलून दो प्रकार का, मतलब गैस वाले भी रहते हैं. गैस वाले में से हम छोड़ देंगे तो ऊपर 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 ही जाते रहते हैं, वो फिर से नीचे वापस आता नहीं. ओके, गैस वाले. और ऐसे नॉर्मल बलून मतलब आप उसके साथ कैसा भी खेल सकते. अभी यहाँ पे बलून मैन है, ये जो बलून मैन है वो कौन सा बलून लेके आता है? गैस वाला ही बलून उसके पास मोस्टली है कि नहीं? Now see, he always comes on market days and holds balloons a lovely bunch. And in the markets where he stands and never seems to think of that. This balloon man, ये जो balloon वाला है वो कभी आता है market days. Market भरता है ना, अभी आपके यहाँ चिकन मार्केट में market कभी भरता है? Saturday, बराबर. और वहाँ again this गांव में Thursday को, ऐसे मतलब हर एक दिन पे मार्केट हर एक एरिया में भरते है. वैसा ही मार्केट डे पे ये बलून वाला आता है. और कहाँ पे खड़ा रहता है वो? चौक में, जहाँ पे स्क्वायर मतलब स्क्वायर टाइप हो जाता है ना, चौक चारों बाजू से रास्ता रहता है, वहाँ पे वो खड़ा होता है. वो मतलब इस तरह से खड़ा रहता है कि उसको भूख की भी मतलब भूख लगा है कि नहीं वो उसे पता नहीं चलता. ओके, क्यों? तो उसको बलून बेचना है. They are red, purple, yellow and green, and when it is a sunny day, no cars and people can be seen to see them shining far away. Colors के बहुत सारे colors के रहते हैं, red, purple, blue, green, yellow, ये सब colors के रहते हैं. जब sunny day मतलब धूप में मतलब sun रहता है तभी वो ज़्यादा ही shining, क्या shining ज़्यादा देता है? Balloons. Okay? And some are big and small, all tied together with a string. And if they didn't fit at all, they tug and tug like any thing. Some are big, big balloon से छोटे balloon से सबको बांधा हुआ रहते हैं, और वो मतलब ऐसा बंच बांधा हुआ रहता है, और जब हवा चलती है तो वो एक दूसरे को मतलब टक्कर देते हैं, टक्कर. Someday perhaps he will let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. बहुत से लोग क्या करते हैं, देखे ऐसा ऊपर छोड़ देते हैं और हम उसे ऐसे ही नीचे खड़े होके देखते हैं. मतलब ऊपर जाता हुआ वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगता है. कौन अच्छा लगता है? बलून्स. ओके, बलून्स डिफरेंट कलर्स के जब वो ऊपर उठते हैं स्काई में तो बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है. ओके, अंडरस्टूड? दिस पोएम यू हैव टू राइट टू टाइम्स इन योर बुक. ओके, नोट्स एंड एवरीथिंग यू